नाश्ते में मैं बना रही हूँ चने, इंडियन और पाकिस्तानी टेस्ट को मिला के कुछ अपने तरीके का मैंने बनाया है। और मेरे पास एक ऑलरेडी घर पे पैकेट था जो कि मैंने बहुत पहले जो है ना इंडियन स्टोर से लिया था। हमेशा मैं कहती थी बनाऊंगी, लेकिन बस बनाने का मौका नहीं मिला। यानी इंडियन तो जो था वो रेडी था, पाकिस्तानी जो है ना वो मैंने अपने हाथ का टेस्ट दिया, तो देखते हैं क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है इसका। यहाँ पर अभी नाश्ता बनके तैयार हो गया है मेरे हस्बैंड का, तो मैंने तमन्ना को बुलाया कि तमन्ना आप जाके जल्दी से देकर आओ, और बाकी सबका नाश्ता जो है ना अभी मैं बना रही हूँ आराम। आज पूरा नाश्ता बना नहीं है, लेकिन फिर भी सब जो है ना अलग अलग ही नाश्ता कर रहे हैं। ये ले आपकी चाय बन के आ गई है, और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। ये क्या कर रही है यहाँ पे, खेल कूद हो रहे हैं, मस्ती चल रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मलाक घर में है ही नहीं, कहाँ पे मैंने कहा गुमसुम हो गई, इतना देर हो गया मलाक आ नहीं रही किचन में। चले मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ आपकी चाय, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय करो मलाक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको कभी भी किसी का मोहताज न करे, आमीन या रब। इसी के साथ हमारे आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के ब्लॉग में क्या कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। बोल रहे हैं सबको आज मुस्तफा, चलिए हमारा नाश्ता आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी चाय भी आ गई है, खानिया भी आ गई है, और कुकू इतनी आवाजें निकाल रहा है ना, पता नहीं कुकू को क्या चाहिए, नाश्ता चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है कुकू को भी। आज मुस्तफा आप भी आप आ गई हो, खानिया भी जा रही है कुरान पाक पढ़ने के लिए, बाकी तो खानिया की ट्यूशन से छुट्टी है लेकिन कुरान पाक की आज छुट्टी नहीं है। मैंने इसे कहा कि आप बस जल्दी से ना अपने बाल कॉम करवाओ और जाओ। मैंने ना ये निकाल के ये निकाली है, मैंने ये वाली खोली, मुझे ये वाली लगानी है। ये वाली, ये पिंक तो आपने पहले से लगाई थी, नहीं ये तो नहीं चाहिए अभी आपको। मम्मा ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, ये दो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पहले मैं ये यूज करूंगी और फिर ये वाली मैं बाद में यूज करूंगी। ये कौन सी, ब्लू वाली लगानी है, ये वाली निकालो यहाँ से, अच्छे तरीके से ना इनको कंघी कर लो, फिर मुझे देना। ये देखे इन, ये ऐसे दो अलग अलग ना हो ऐसे, यानी साथ में आप लगाइएगा। अच्छा ऐसे साथ में, जैसे आपने कहा था ना, ये देखो यहाँ से नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आएगा जब आपका सर नीचे होगा तो कैसे आपको नजर आएगा। हाथ लगा के, हाथ लगा के देखो, दोनों साथ में आ गए। हाँ, सही है। चलो हानिया आज ना मैं आपको ना ये वाला दुपट्टा पहनाती हूँ, प्यारा लगेगा व्हाइट, ठीक है। हाँ, मुझे पेड़ लगा दे जैसे आप अपने बाल कवर करती है। अब हो गया मेरे बच्चे का मम टाइम, मेरी मलाकों का मम टाइम हो गया। बिस्मिल्लाह, हमारे आज रात के खाने का जो है ना वो सामान आ चुका है, और आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ बिरयानी। यहाँ पर हमारी चिकन है, और यहाँ पर है पुदीना, और यहाँ पर मोना देखें ऑरेंज लेकर आ गई है। घर पे अच्छा सा बनाते हैं खाने का, ये पुदीना है और यहाँ पर है दही। तो बस अभी मैं अपना खाना बनाना शुरू करती हूँ, और आज मैं बना रही हूँ खाने में बिरयानी, चटपटी सी बिरयानी बनेगी। मैं बनाऊंगी बिरयानी चटपटी सी, और मोना बनाएगी रायता, चटपटा रायता। मैं पहले अभी शुरू करती हूँ, आपको रायता नहीं बनाऊंगी तो क्या होगा, मोना जब रायता नहीं बनाएंगे तो जाहिर है फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलो आप अभी जाओ थोड़ा सा रेस्ट करो, जब तक मैं ये बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आप रायता बनाना, ठीक है। चले आपकी पुप्पू के पास, चले मलाको आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मलाह फिर है। मैंने ये वाले कपड़े निकाल लिए हैं और साथ में मैंने इसके शूज भी निकाल लिए। अभी देखती हूँ कि कौन से ना मैंने इसको पहनाने हैं। ये वाले इसके शूज और सॉक्स इसके नहीं मिल रहे थे लेकिन ये मिल गए हैं। अब पता नहीं इसको आते हैं कि नहीं आते। ये बहुत पहले के मैंने लिए हुए थे, हो सकता है छोटे हो गए। कौन सा, ये वाला इसके साथ और ये पहना, ये वाला प्यारा लगेगा। हाँ बाहर जा रहे हैं ना हानिया, फिर उसको सर्दी लगेगी। क्या हुआ आप, ये पकड़ो मेरी मलाह को तो तैयार हो गए माशाल्लाह। ये देखो सॉक्स शूज मलाह के। अब पोनी लगाए तो जल्दी से कंघी। अरे वाह मेरी मलाह की पोनी भी लग गई है। मलाह की ये वाली जो शर्ट है ना ये छोटी हो गई मलाह से, है ना छोटी हो गई ना ये आपसे। भागते भागते ना सारे काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो बिरयानी है उसका दम मैं अभी अभी खोल रही हूँ और साथ ही लेकर जा रहे हैं वहाँ पर बैठ के सब मिलके खाएंगे। आज ही मैंने इसलिए बच्चे सारे तैयार हो गए। मलाह मेरे पीछे आ गई यहाँ पे। मलाह आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं कहा अभी बस यहीं से ना इनको मिक्स कर लेती हूँ कि वहाँ पर जाके ना बस फिर दोबारा से मिक्स ना करना पड़े। माशाल्लाह बड़ी मजे की लग रही है, कलर भी अच्छा आ गया बिरयानी का। चटनी ये पड़ी हुई है, चटनी देखिए बाहर पड़ी हुई है। ठंडी होने के लिए रख देते ना। तो फाइनली हम घर से निकल पड़े। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे। मुस्तफ़ा पूछ रहा था कि इतना टाइम हो गया मैंने फूफो को नहीं देखा, आज इतना टाइम बाद मैं फूफो से मिलूँगा। और हानिया और मलाक का तो ये पहला मीटअप होगा अपनी फूफो के साथ। देखते हैं कि मलाक का क्या रिएक्शन है। वैसे मलाक जिसको भी देखती है ना तो रोना शुरू हो जाती है। खैर बच्चे सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तमन्ना भी बहुत खुश थी। तमन्ना की बहुत ही अच्छी कंपनी है अपनी फूफो के साथ। यहाँ पर मैं देख रही थी मलाक के शूज़ जो है ना वो बड़े हैं, ऐसे बैठे बैठे मलाक के शूज़ उतर गए थे। तो अभी कुछ ही देर में बस हम लोकेशन पर पहुंचने ही वाले थे और यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिल लिया था, बात हो गई थी उनसे। बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा लगा उनसे मिलके, काफ़ी टाइम हो गया मैं भी आयशा से नहीं मिली थी। तो जब भी हम मिलते हैं ऐसा अपना कोई हमारा आता है तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। स्पेशली मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। मलाक ने तो देख के रोना शुरू कर दिया था लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये चुप हो गई थी। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब पाकिस्तान से कोई आता है, कोई अपना हमारा आता है। जब कोई अपना हमारा आता है तो हमारी खुशी डबल हो जाती है कि हम परदेश में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पहले हमने यही सोचा था कि जहाँ पर आयशा है तो वहाँ पर हम जाएंगे, वहीं पर मिल बैठ के खाना खाएंगे। फिर बाद में हमने सोचा कि चले पार्क चले जाते हैं, पार्क में हम बैठ के आराम से बातें भी कर लेंगे और बच्चे भी खेल लेंगे और सुकून से खाना भी खा लेंगे। खैर बहुत अच्छा लगा। फिर जब हम वहाँ पर गए तो बस फौरन हमने दस्तरखान लगाया कि पहले हम खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद जो है ना हम आराम आराम से बातें करते रहेंगे और बच्चे खेलते रहेंगे। लेकिन हमारा कुछ ऐसा ही हुआ कि खाना खाते खाते भी हमारी बातें हो रही थी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा। पार्क का मौसम भी बड़ा ही ज़बरदस्त था, ठंड लग रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुस्तफ़ा को मैंने जैकेट नहीं पहनाई थी यहाँ पे। और जब मैं बच्चों को कह रही थी कि जाओ आप जाके पार्क में खेलो खाना खाने के बाद, तो वो कह रहे थे कि नहीं ठंड बहुत ज़्यादा, हालांकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे। आनिया ने तो खैर पहनी हुई थी फुल स्लीव्स लेकिन मुस्तफ़ा ने नहीं पहनी। अभी हम सबकी प्लेट्स बना के रख रहे थे दस्तरखान पे और मैं पूछ भी रही थी आयशा से कि आयशा आप किस तरह की बिरयानी खाना पसंद करती हो, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं हम स्पाइसी खाते हैं। तो खैर आयशा भी यही कह रही थी कि नहीं हम भी ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना आयशा से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और मैंने बनाया था अपने हिसाब का जैसे हम घर पर बनाते हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, सब ने अच्छे तरीके से खाया, अच्छे तरीके से इंजॉय किया। पहले मैं यही सोच रही थी कि मैं काबली पुलाव बना लेती हूँ लेकिन फिर मैंने कहा चलें आज पहला दिन है, आज मैं कुछ बिरयानी बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखूँगी आयशा से भी पूछ लूँगी कि आपको क्या खाने में पसंद है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं उनके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था। अभी मैं बता रही थी हानिया को कि हानिया आप जाओ खेलो वहाँ पर, तो काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, छोटी बच्चियाँ भी थी, वो हानिया को बुला भी रही थी कि आ जाओ हमारे साथ खेलो, लेकिन वो जा नहीं रही थी। तो ज़बरदस्ती मैंने उसे भेजा कि जाओ वो आपको बुला रही हैं आप जाके उनके साथ खेलो। तो खैर थोड़ी देर के लिए हानिया यहाँ पर चली गई थी। तो दोबारा हम शुरू हो गए अपने वही गपशप में। तो बस यहाँ पर अभी मैंने दस्तरखान समेट लिया था और बर्तन जो है मैं रख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम क्या हो गया। तो ऐसा ही होता है जब भी हम किसी अपने से मिलते हैं ना तो बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता और फिर दिल करता है कि हम बैठे रहें, बातें करते रहें, आपस में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहें, अपनी बचपन की बातें करते रहें। तो यहाँ पर बातों बातों में हम सब एक दूसरे से कह रहे थे कि बस उठते हैं चलते हैं, बस उठते हैं चलते हैं, यही हो रहा था हमारा। तो फिर हम बैठ जाते थे, हमारी कोई ना कोई और बात शुरू हो जाती थी, एक ख़त्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती, तो बस यही कुछ
कुछ ही चलता रहा और काफी टाइम हो गया वहाँ पर। बातों बातों में आयशा बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी कि मलाक को उठा ले, लेकिन मलाक बिल्कुल भी उनके पास जाने का नाम नहीं ले रही थी। बैठी हुई थी यहाँ पर हस्बैंड के साथ, वो मेरे पास भी नहीं आ रही थी कि यहाँ से मैं कहीं चली ना जाऊँ, कोई मुझे उठा ना ले। तो खैर आखिरकार यहाँ पर आयशा लेकर आई थी गिफ्ट मलाक के लिए, बहुत ही प्यारी पायल थी। तो यहाँ पर अभी मलाक को पहनाई जा रही है। चुप हो गई थी मलाक, लेकिन उनके पास नहीं जा रही थी। बहुत उन्होंने कोशिश की, फिर मैंने कहा कि कुछ दिन लग जाएंगे, जब आयशा आपकी पहचान हो जाएगी तो फिर ये जरूर आएगी आपके पास। तो मलाक यहाँ पर अपनी पायल को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी माशाल्लाह, और बहुत प्यारी भी लग रही थी इसके पाँव में। फिर हमने इसको खड़ा किया, हम देख रहे थे कि कैसी लग रही है। तो माशाल्लाह इसके पाँव में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी थी, लूज थी थोड़ी सी, लेकिन प्यारी बहुत लग रही थी। थोड़ी देर तो ये चुप बैठी रही, लेकिन फिर उसके बाद इसने रोना शुरू कर दिया। फिर ये किसी से चुप नहीं हो रही थी, ना मुझसे चुप हो रही थी, और हानिया ने भी ट्राई किया था, हाना ने भी ट्राई किया कि ये चुप हो जाए, लेकिन ये चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर आखिरकार ये चली गई अपने पापा के पास, उन्हीं के पास ही जाके ये चुप हो गई। फिर क्योंकि जाहिर है हमारा ज्यादा कहीं पर आना जाना है नहीं, और जूं जूं ये बड़ी होती जा रही है ना, तो इसे पहचान होती है, तो इसे पता है कि हम घर में कौन कौन है, किसके साथ हमारा उठना बैठना है, किसको ये डेली देखती है। तो इसलिए लास्ट में इसने बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर दिया था। मलाक के रोने की वजह से बस हम सारे उठ गए कि बस अब ये चुप नहीं हो रही, तो उठाते हैं अपना सामान और चलते हैं घर। तो खैर यहाँ पर अभी सब कुछ हमने समेट लिया था और हम घर जाने लगे थे। जैसे हमने घर जाने क्या कहा, तो ये मलाक भी चुप हो गई थी वहाँ पर भी। हमारा यहाँ पर चाय पीने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं चाय को, और आयशा भी मिस कर रही थी, लेकिन हमने चाय बनाई नहीं। मना ने मुझे कहा कि फूफो को चाय इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर हमने इस वजह से चाय नहीं बनाई। लेकिन वहाँ पर पता चला आयशा कह रही नहीं मैं चाय को मिस कर रही हूँ, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था, तमन्ना ने तो मुझे ऐसा बताया, क्योंकि तमन्ना काफी टाइम वहाँ पर रहकर आई उनके साथ। तो इसलिए मैंने तमन्ना से पूछा कि उनकी क्या च्वाइस है खाने में, उन्हें क्या पसंद है। तो जो जो मुझे तमन्ना से पता चला, तो फिर मैंने कहा इसलिए हमने चाय नहीं बनाई। तो फिर मैं यहाँ पर अभी आयशा से कह रही थी कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है कि मैं चाय नहीं बना कर रही। तो कह रही थी नहीं नहीं भाभी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, आप घर पे आओ या फिर मैं चाय बनवा के भिजवाती हूँ। क्योंकि जाहिर है जब इंसान सफर पर आता है, तो इतना दूर से आता है, तो वो चाय को बहुत ज्यादा मिस करता है। खासतौर पर हम जैसे हम चाय को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और फिर आपको जैसे घर की बनी हुई चाय होती है और बाहर की जो बनी हुई चाय होती है, तो उसमें बहुत फर्क होता है। यहाँ पर मेरे पास कोई डब्बा तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि आयशा को बिरयानी ले जाओ अपने साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बिरयानी बनाई थी, काफी सारी बनाई थी। क्योंकि मेरा यही होता है, मैं कहती हूँ कि कम ना हो चीज, बेशक बच जाए, थोड़ी ज्यादा हो जाए, लेकिन कम ना हो। घर पे भी मेरा यही होता है, मैं कहती हूँ एक आध प्लेट बच जाए मेरे खाने से, लेकिन कम ना हो। क्योंकि जब इंसान खाता है ना, तो फिर अगर चीज कम हो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है, और ये चीज जो है ना वो मेरे नेचर में बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक की तरफ से भी हमारे खानों में बरकत होती है, और मदीना पाक की भी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें, और हमारी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सबने जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़। ये भी आ गया, इसने भी अल्लाह हाफिज़ बोला, बोल दिए बस।